ड्रग्स क्या है? हमारे मूड आल्टरिंग सब्सटेंसेस, जो हमारे हम आराम से बैठे हैं कुछ भी नहीं तो एकदम कुछ होता है जरा सा चस्का, चाहे वो सांस से ही उसी खुशबू से ही चला जाए तो वो हमारे मूड को बदल देगा। हम हाइपर है, फोन को देखिए, आजकल बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात उनकी ना हो तो वो अपना अपना क्या कर लेंगे। तो ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को या तो नॉर्मल में बदल देते हैं या फिर नॉर्मल बिहेवियर को अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर में बदल देते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं, जैसे कुछ है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, कुछ है हैल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स। तो इसके अंदर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंदर आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, सिडेटिव्स, स्टिमुलेंट्स और ऑपियोइड्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली हमारे जो कोई टेंस है रिड्यूसेस टेंशन एंड एनेक्सिटी, इट काम्स डाउन द नर्वस सिस्टम। जैसे कि कोई नॉर्मल अगर किसी का अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रहा है, उसे अगर ये कुछ दी जाए ड्रग तो वो काम डाउन कर देता है, शांत हो जाता है। जैसे कि पशु वगैरह भी, जैसे उनका कुछ सर्जरी वगैरह करनी है वो बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको भी इस तरह की ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं ताकि उनके साथ उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। द नेक्स्ट आते हैं हमारे सिडेटिव्स, जो हमें नींद की तरफ ले जाते हैं, जहाँ हम तकलीफ में नहीं सोते हैं, थोड़ी देर अगर शायद से रेस्ट मिल जाए तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। हमारी जितने भी लगभग दवाइयाँ हैं, कफ सिरप, स्पेशल कफ सिरप, उन सब में ये सिडेटिव्स हैं। द नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टिमुलेंट्स, वो हमारे सीएनएस को एक्टिवेट करता है, हमें अवेक बनाता है, जैसे कि